बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मुआज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, मैं हूँ हाफिज फ़ियाज़ उमर और आप देख रहे हैं प्यारे नबी का दीन यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर व आफियत के साए में रखे। महबूब को पाना चाहते हो तो आज के दिन ये वजीफा जरूर करना। ये वजीफा एक दिन में असर दिखाता है। प्यारे दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि वो ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ गुजारे। अगर प्यारे ना हासिल हो सकें तो इंसान की खुशियां कोई मायना नहीं रखती। अगर किसी से इंसान मोहब्बत करता है और वो शख्स उसकी किसी भी खुशी में शरीक ना हो तो उसकी वो खुशी कोई भी माना नहीं रखती। अगर आप ईद की खुशियों में अकेले हैं, तन्हा हैं, आपका महबूब आपसे नाराज होकर आपको छोड़कर चला गया है, या जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं वो अपनी ईद की खुशियों में मगन है और आपकी तरफ का उसे कोई एहसास नहीं है, तो आज के दिन आप ये वजीफा जरूर करें। एक ही दिन में ये वजीफा असर दिखाता है और इंशाल्लाह जिस तरह से किसी इंसान को करंट लगता है और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह ये वजीफा भी करंट की तरह उस इंसान पर असर करेगा और वो आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगा। महबूब की मोहब्बत पाने के लिए, रूठे इंसान को मनाने के लिए, किसी के दिल में अपने लिए बे इंतहा कभी ना खत्म होने वाली मोहब्बत पैदा करने के लिए आज के दिन जो वजीफा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, यकीन करें 100% गारंटी से कहता हूँ कि ये वजीफा अभी मुकम्मल नहीं होगा कि आपका महबूब आपसे राब्ता कर लेगा। चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना बैठा हो, उस शख्स पर ऐसा असर होगा कि उसे आपसे राब्ता करने की बजाय और कोई भी हल नजर नहीं आएगा। इधर आप वजीफा कर रहे होंगे, उधर उस शख्स में तरफ बढ़ती चली जाएगी, बेचैनी इतनी भर जाएगी कि वो आपसे बात करने पर, अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर, मुआफी मांगने पर मजबूर तरीन हो जाएगा। आइए भरते हैं वजीफे की तरफ। आज के दिन ये वजीफा आपने जरूर करना है। रोज इस वजीफे को कर सकते हैं, दिन में एक बार कर सकते हैं, दिन में दो बार भी कर सकते हैं। जब आपको लगे कि मुझे इस वजीफे की जरूरत है, आप इस वजीफे को पढ़ लें, वक्त की कोई कैद नहीं। अमूमन हम अपने चैनल पर जो वजाइफ अमलिया शेयर करते हैं वो रात के वक्त किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा वजीफा है जिसके लिए किसी भी वक्त की कोई कैद नहीं। आप दिन में कर लें, रात में कर लें, शाम में कर लें, दोपहर में कर लें, वक्त की कोई पाबंदी नहीं। आपने क्या करना है, अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए 101 मर्तबा अल्लाह ताला का सिफाती नाम या वदूद पढ़ना है। ऐ मोहब्बत पैदा करने वाले, 101 मर्तबा अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए लफ्ज या वदूद पढ़ेंगे और उसकी तस्वीर पर फूंक मारेंगे। फिर 3 मर्तबा आप पढ़ेंगे हाजिर शुद फलां। फलां की जगह पर आपने अपने महबूब का नाम पुकारना है। मिसाल के तौर पर आपके महबूब का नाम महमूद है तो आपने कहना है हाजिर शुद महमूद। अगर किसी लड़की के लिए कर रहे हैं और लड़की का नाम नादिया है तो आप कहेंगे हाजिर शुद नादिया। 3 मर्तबा ये कहते हुए, उसकी तस्वीर को देखते हुए, फिर आपने उसकी तस्वीर पर फूंक मार देनी है, दम कर देना है। इधर आपका अमल मुकम्मल होगा और आपके दिल में ऐसी तरफ, ऐसी बेचैनी पैदा होगी जो कि इस बात की गारंटी होगी कि आपका वजीफा असर कर गया है। प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को पढ़ते ही आपके महबूब पर ऐसा असर होगा कि वो आपको मिल जाएगा, आपसे राब्ता करेगा। प्यारे दोस्तों, वजीफे की इजाजत के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बंदा ही नाचीज को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।